अल्लाह स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने पाकिस्तान में लेजिस्लेशन के हवाले से बात की कि लीगल फ्रेमवर्क्स कौन से अवेलेबल हैं सोशल एंटरप्राइज़ के हवाले से उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन उसकी फाइनेंसिंग उनकी रिपोर्टिंग उनकी गवर्नेंस सारे इश्यूज़ कवर होते हैं और हमने देखा कि हमारे पास फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शंस मौजूद हैं और उनके अंदर मुख्तफ वेरिएशंस हैं लेजिस्लेशन जो होती है वो कंक्रीट चीज़ होती है एक दफ़ा कोई चीज़ कोई एक्ट बन जाता है तो वो साल हर साल जब तक के सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज ना हो वो कायम रहता है और जो उस एक्ट को फॉलो करते हैं उनको उसकी प्रोविजंस को कम्प्लाई करना होता है यानी एक कंप्लायंस का एलिमेंट उसके अंदर होता है लेजिस्लेशन के मुकाबले में जो पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट खास तौर पर या स्टेट की तरफ से लोगों के लिए मुख्तफ़ सेक्टर्स के लिए कि स्टेट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट जो है करंट वो किस तरह से उस काम को करना चाहती है जिसके बारे में लॉज मौजूद हैं लॉज अमूमन उस वक्त जो है वो हरकत में आते हैं जब कोई इशू होता है कोई लीगल प्रॉब्लम जो है वो आरइज करती है पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं वो उस सेक्टर के कवर करती हैं और उनको एक फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से गवर्नमेंट सोशल एंटरप्रेन्योर्स को किस किस्म की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए से गाइडेंस प्रोवाइड करती है सीन जो है वो कोई इतना क्लियर नहीं है नंबर वन पाकिस्तान में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी सोशल इम्पेक्ट क्रिएट होता है उसका जो सेंटर है प्लानिंग का वो पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन है ये एक फेडरल बॉडी है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है और वो पाकिस्तान की सालाना और अमूमन पाँच साल की प्लानिंग करते हैं कि इन वन ईयर टाइम वो जो साल के साल बजट पेश होता है कि पाकिस्तान जो है उसकी वो कहाँ खड़ा होगा उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज़ किन सेक्टर्स में होंगी और उनको कौन किस तरह से परफॉर्म करेगा और फाइव ईयर प्लान्स देते हैं या फ्रेमवर्क देते हैं डेवलपमेंट के कि इन फाइव ईयरस टाइम जो है जो कि हमारी गवर्नमेंट के टेन्योर से मैच करता है पाकिस्तान जो है वो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल इम्पेक्ट इकनॉमिक इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट कहाँ होगा क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी तो प्लानिंग कमीशन ऑफ़ पाकिस्तान के अंदर एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर क्रिएट किया गया है बैक इन टू लेकिन 2015 से अब तक ये कोई इतना कंक्रीट जो है और रिसोर्सफुल साबित नहीं हुआ इन इट सेल्फ ये स्ट्रगल कर रहा है सेंटर अपने क्याम के हवाले से नतीजा अभी तक पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है कि हम कह सकें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये प्रायोरिटीज़ हैं इस सेक्टर के लिए ये सोशल इंटरप्राइज़ को इस तरह फैसिलिटेट करेगी ये उसकी जो है एक्सपेक्टेशन हैं सोशल इंटरप्रेन से और इस किस्म का जो माहौल है वर्किंग एनवायरनमेंट वो फ्राहम किया जाएगा तो किसी एक अम्ब्रेला पॉलिसी की गैर मौजूदगी में काम करना सोशल इंटरप्राइजिस के लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि लेजिस्लेशन की अदम मौजूदगी या उसके कंफ्यूजिंग और मल्टीपल होने की वजह से क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अगर ख़ास तौर पर वो इनोवेट करते हैं तो उन्हें मुख्तफ जगहों पर देखना पड़ता है कि हमारे लिए रिसोर्स कहाँ हैं कौन सी बॉडीज़ हमारे से कंसर्न हैं अगर हमें कहीं सपोर्ट चाहिए या कोई लीगल इशू आ जाता है तो क्या रेमडीज़ अवेलेबल हैं ये सब चीज़ें पॉलिसी में होती हैं और पॉलिसी पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अभी नहीं है ऐसे में कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन ने डेवलप की हैं फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोशल इंटरप्रेनशिप का फ्रेमवर्क है कि किस तरह से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन जो है वो सोशल एंट्रप्रेनशिप की एजुकेशन ट्रेनिंग यंग लोगों को दौरान तालीम इस काबिल बनाना कि वो मुख्तलिफ़ इंटरप्रेनियल एक्टिविटीज़ कर सकें एक ये फ्रेमवर्क है जो कि एक स्ट्रेटी है जो मौजूद है लेकिन ऑफकोर्स सारी पाकिस्तानी यूथ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है वो हायर एजुकेशन के इदारों में नहीं है तो ऐसे लोग जो हैं वो इस से बाहर रह जाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है उनके लिए स्टिल इट्स अ स्ट्रगल कि वो कहाँ देखें अपने गाइडेंस के लिए ऐसी ही एक बॉडी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ऑफ कोर्स इंडिविजुअल सोशल एंटरप्रेन्योर्स या सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं वो स्टेट बैंक के पास नहीं जाते फाइनेंसिंग के लिए लेकिन स्टेट बैंक उन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सोर्सिस और रिसोर्स को ओवर सी करता है जहाँ से सोशल इंटरप्रन को फंडिंग आती है फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों आपने एफ़ टी एफ का बहुत जिक्र सुना होगा कि पाकिस्तान एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट में आ गया ब्लैक लिस्ट में चला गया ग्रे लिस्ट से निकल गया और उस हवाले से पाकिस्तान में एन जी ओज़ और साथ साथ सोशल इंटरप्राइजेस जो हैं उनकी बहुत सारी ऑप्लीगेशन बढ़ गई उनकी स्क्रूटनी सख्त हो गई कि वो फंडिंग कहाँ से लेते हैं उसको किस तरह से वो स्पेंडिंग उसकी क्या करते हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए स्टेट बैंक जो है वो एक ओवर करता है या ओवर करने वाली बॉडी या एक मॉनिटर का काम करता है बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और उसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल है क्योंकि पाकिस्तान में जो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है ख़ास तौर पर और उसमें जो सोशल एंटरप्राइज़ेस और एन हैं उनकी सिक्सटी परसेंट फंडिंग जो है वो फॉरन है वो बाहर के मुल्कों से आती है जिसमें बाइलेट्रल भी हो सकती है और उसमें आई एन या इंटरनेशनल एन या इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी शामिल हैं ऐसे में अकाउंटेबलिटी को मेनटेन करना और एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें सोशल इंटरप्राइजेज़ जो हैं वो काम कर सकें वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी एक आस्पेक्ट जो सोशल इंटरप्राइज का है पाकिस्तान में वो स्किल डेवलपमेंट, खास तौर पर यूथ को फोकस करके जो स्किल डेवलपमेंट है वो है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए कोई एक्टिविटी कोई एंटरप्राइज शुरू कर सकें जिससे ना सिर्फ वो प्रोडक्टिवली एंगेज हो जाएं बल्कि वो माशरे के लिए एक वैल्यू एडिशन या सोशल इम्पेक्ट भी क्रिएट कर सकें इस हवाले से पाकिस्तान की जो यूथ पॉलिसी है उसमें सोशल एंटरप्राइज को इनक्रेज करना यूथ को ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना जिसके ज़रिए से वो इनोवेट कर सकें वो अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस में ला सकें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और एंटरप्रनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको शुरू कर सकें ऑफकोर्स पाकिस्तान में एक तो पापोलेशन में जो यूथ का प्रोपोर्शन है वो वैसे ही ज़्यादा है पाकिस्तान इज़ अंग पापोलेशन और दूसरे उन सब को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मैसर नहीं है क्योंकि हमारी इकोनमी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही काफ़ी अर्से से कि उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो खासतौर पर यंग लोगों को एब्जॉर्व कर सके ऐसे में यूथ पॉलिसी जो है उसका एम है कि यूथ को स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं उनको इनहस किया जाए ताकि वो सेल्फ़ एम्प्लॉय अपने आप को कर सकें और सोसाइटल जो इम्पेक्ट है उसको पढ़ा सकें एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें तो so बेसिकली पाकिस्तान में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फैसिलिटेट करने वाले जो पॉलिसी और स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क्स हैं वो आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू नील अवेलेबल हैं कम हैं अमूमन ये बॉडीज़ जिनका मैंने जिक्र किया जैसे हायर एजुकेशन स्टेट बैंक टेवटा ये और पर्पसेस के लिए इनको इस्टबलिश किया गया था लेकिन ये सोशल एंटरप्राइज़ को और सोशल एंटरप्रेन्योर्स को अकामोडेट कर रहे हैं हमें एक क्लियर स्पेसिफिक सोशल एंटरप्राइज सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि तमाम पोटेंशियल सोशल इंटरप्रेन और जो करंट सोशल इंटरप्रेन हैं उनको गाइड और फैसिलिटेट कर सके अगर पाकिस्तान को सोशल एंटरप्राइज का पोटेंशियल जो है उसे अवेल करना है थैंक यू